जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आज हम आपको दीपावली पर धन की कमी ना होने के कुछ उपायों को बता रहे हैं। अगर आप इस वीडियो में बताए गए उपायों को अपनाते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बनाए रखेंगी। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को अंतिम तक अवश्य सुनिए। अगर यह कहानी आप अंतिम तक सुनते हैं और इस वीडियो पर बताए गए उपायों पर अगर आप अमल करते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी धन की वर्षा अवश्य करेंगी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक धर्मप्रिय नामक व्यक्ति रहा करता था। धर्मप्रिय का जीवन सादा और संतोषजनक था, परंतु उसे हमेशा धन की कमी की चिंता सताती थी। वह सोचता था कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे वह अपनी संपत्ति में वृद्धि कर सके, साथ ही धर्म का भी पालन कर सके। धर्मप्रिय के एक गुरु थे, वो बहुत ही विद्वान और वेद पुराणों के ज्ञाता थे। एक दिन धर्मप्रिय ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं हर वर्ष दीपावली मनाता हूँ, परंतु इसके बाद भी मेरी धन की कमी बनी रहती है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकूँ और साथ ही ईश्वर का आशीर्वाद भी पा सकूँ? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे शिष्य, दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसमें माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से होती है, परंतु यह भी महत्वपूर्ण है कि हम इस समय धर्म, दान और परोपकार के माध्यम से अपनी आंतरिक और बाहरी स्थिति को सुदृढ़ करें। वेदों और पुराणों में ऐसे कई सिद्धांत हैं जिनका पालन करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। मैं तुम्हें कुछ श्लोकों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। फिर गुरु ने कहा, सत्यम वद धर्मचर स्वाध्यान मा प्रमदः, अर्थात सत्य बोलो, धर्म का पालन करो और स्वाध्याय में कभी आलस्य मत करो। दीपावली पर सत्य बोलना और धर्म का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सत्य का पालन करने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका एक भाग दान में देना चाहिए। दान से धन की वृद्धि होती है, क्योंकि दान से पुण्य अर्जित होता है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। धर्मप्रिय ने सोचा कि वह सत्य का पालन तो करता है, लेकिन दान में वह बहुत कम देता है। उसने निर्णय किया कि वह इस वर्ष दीपावली पर जरूरतमंदों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करेगा। फिर गुरु ने कहा, सुचिर भूतः स्वयं लक्ष्मी प्राप्तो भवति सर्वदा, अर्थात जो स्वयं शुद्ध और स्वच्छ रहता है वह हमेशा लक्ष्मी को प्राप्त करता है। हे शिष्य, दीपावली पर घर की सफाई करना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह माँ लक्ष्मी के स्वागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शास्त्रों के अनुसार स्वच्छता और पवित्रता में ही लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए दीपावली पर घर और मन की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता से न केवल बाहरी वातावरण सुधरता है, बल्कि मन को भी शांति मिलती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। फिर गुरु ने कहा, न वित्तेन तपसा न विद्या न च योगेन संतोष है परमो लाभ है संतोषात् तुष्यते हृदय, अर्थात धन तपस्या विद्या या योग से भी बड़ी चीज संतोष है। संतोष ही सबसे बड़ा लाभ है। संतोष से हृदय को शांति मिलती है। संतोष का अर्थ है कि हमें अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। यदि हम अपने धन और साधनों में संतोष नहीं रखते तो लक्ष्मी का आना भी व्यर्थ हो जाता है। संतोषी मनुष्य हमेशा सुखी रहता है और उसकी प्रगति होती रहती है। गुरु ने अपने शिष्य को समझाते हुए फिर कहा, क्षमा धर्मस्य भूषणम सहिष्णुता च व्रते सुवै यस्य हृदये क्षमा स्थिता तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत, अर्थात क्षमा धर्म का आभूषण है, सहनशीलता व्रतों का पालन करने में सहायक होती है। जिस व्यक्ति के हृदय में क्षमा का वास होता है उसके पास लक्ष्मी स्थिर रहती है। क्षमा और सहनशीलता भी लक्ष्मी प्राप्ति का एक बड़ा साधन है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है और सहनशील रहता है वह लक्ष्मी को स्थिर बनाए रख सकता है। क्षमाशील व्यक्ति अपने रिश्तों में मजबूती लाता है और उसका जीवन सुखमय होता है। अंत में फिर गुरु ने कहा, अहंकारो महामूढ़ है सर्वनाशाय कारणम अहंकारम परित्यज्य लक्ष्मी स्थिरा भवे, अर्थात अहंकार सबसे बड़ा मूर्खता है और यह सर्वनाश का कारण बनता है। अहंकार का त्याग करने से लक्ष्मी स्थिर होती हैं। अहंकार धन का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है तो उसका मन अस्थिर हो जाता है।
और लक्ष्मी उसके पास ठहरती नहीं है। इसलिए दीपावली पर अहंकार का त्याग कर सच्चे मन से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दीपावली के दिन धर्मप्रिय ने गुरु की सभी बातों का पालन किया। उसने सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की पूजा की, दान पुण्य किया, घर की सफाई की और अपने जीवन में संतोष, सहनशीलता और विनम्रता का महत्व समझा। इसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रही और उसकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। मित्रों, दीपावली पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर वेदों पुराणों और शास्त्रों में कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं। वेदों और पुराणों में दीप जलाने का महत्व बताया गया है, खासकर दीपावली के दिन। दीप जलाना आध्यात्मिक प्रकाश का प्रतीक माना गया है, जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। कहा जाता है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। यह उपनिषदों का श्लोक है, जिसका अर्थ है अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश की ओर जाना चाहिए। दीपावली पर दीप जलाना इसी सिद्धांत का प्रतीक है। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि दीपावली से पहले अपने घर और आसपास की जगह को स्वच्छ करना चाहिए। इसे धनलक्ष्मी को आकर्षित करने का माध्यम माना गया है। कहा जाता है, शुचिर भूत्वा शुभम कुर्यात्, स्वच्छता स्वास्थ्य कारक है। इस श्लोक का अर्थ है कि स्वच्छता से शुभता का आगमन होता है। दीपावली पर घर की स्वच्छता का विशेष महत्व है। मित्रों, वेदों और पुराणों में यह भी कहा गया है कि किसी भी प्रकार का अहंकार, द्वेष, हिंसा और कटुता से दूर रहना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर दीपावली का उत्सव मनाना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यह श्लोक समस्त जगत के सुख और समृद्धि की कामना करता है। दीपावली के दिन हमें दूसरों के साथ प्रेम और सद्भाव से पेश आना चाहिए। मित्रों, धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि दीपावली के दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल का दान देना चाहिए। यह पुण्य का कार्य माना जाता है। अन्न दानम परम दानम विद्या दानम तथैव च। अन्न दान सबसे श्रेष्ठ दान है और इसका महत्व दीपावली पर विशेष रूप से बढ़ जाता है। इसी प्रकार विद्या दान और वस्त्र दान को भी अत्यंत शुभ माना गया है। वेदों और उपनिषदों में किसी भी प्रकार की हिंसा से बचने की शिक्षा दी गई है। इसलिए मनुष्य को किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। अतः हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी प्राणी को कष्ट हो। मित्रों, पुराणों में कहा गया है कि दीपावली के दिन रात्रि जागरण करके भगवान के ध्यान में लीन रहना चाहिए, क्योंकि इस दिन विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है, जागृत रहो, भगवान का नाम लो। रात्रि जागरण के द्वारा नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने का माध्यम माना गया है। इस दिन जागरण करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तो मित्रों, प्रेम से एक बार कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री नारायण, जय मां लक्ष्मी।